लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सॉरी कल कॉल नहीं ले पाई, मेरा केस चल रहा था। कोई बात नहीं, कहाँ हो? मैं तो ऑफिस में हूँ, सर नहीं आ रहे हैं ना, उनके क्लाइंट्स हैंडल कर रही हूँ। आज बहुत बिजी डे है। मुझे तो डरावने सपने ने उठा दिया, तब से तुम्हें कॉल कर रहा था, तुमने उठाया नहीं। कैसा सपना? मैं उसे भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। बताओ ना। अब उस बारे में बात करके क्या फायदा है, छोड़ो ना उसे। एलेक्स तुम अभी कहाँ हो? मैं अभी ऑफिस पहुंचने वाला हूँ। अच्छा अर्चना, हाँ? आज शाम को फ्री हो क्या, मिलते हैं? हाँ बताती हूँ। एलेक्स मुझे कॉल आ रहा है, मैं कॉल करती हूँ। कॉल पर कितने बजे? सुनो, हेलो हेलो,
हाय। आप एलेक्स हो ना? जी सर, आपका ऑटोग्राफ चाहिए। सर आपकी सारी बुक्स सेल हो गई हैं। इतनी सारी कॉपीज तो पड़ी है। पेन है? पेन सर, अगली बुक किस पर होगी? अभी बस प्लानिंग चल रही है। हाँ सर, अगर कोई मदद चाहिए तो प्लीज बताइए। इनका बिल बना दो। ओके सर, थैंक यू। एलेक्स, सॉरी, थोड़ा काम आ गया था, सॉरी। अरे कोई बात नहीं, अकेले बोर हो रहा था तो सोचा यहाँ पर आ जाऊँ। मैं वही सोच रही थी, तुमने यहाँ मिलने क्यों बुलाया? अब यहाँ पर आ गए हो तो मेरी एक किताब खरीद लो। I have bought my copy, Alex. टाइम मिलेगा तो मैं जरूर पढ़ लूंगी। Alex के सामने ही पढ़ूंगी। फिर तो रहने दो, कॉपी नहीं तो कॉफी पी लो। चलेंगे? Why not? बिल पे कर देगा। मैम, योर कैपुचिनो। सर ये आप। थैंक यू। योर वेलकम। तुम्हारे तो काफी फैंस हैं एलेक्स। हेलो। हाँ, केस को तो फिलहाल एडजर्न किया है। दैट्स 23rd, द नेक्स्ट हियरिंग। हेलो। हाँ। हेलो, एक मिनट। ओके ओके, केस से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स कल ऑफिस ले आइए। नहीं, हम एक और स्टे ऑर्डर फाइल कर रहे हैं। ओके, डॉक्यूमेंट्स पर साइन करके लाना। ठीक है, समझ ना आए तो कॉल करना। सॉरी। बहुत रेस्टलेस लग रहे हो एलेक्स। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है? तुम्हें देखकर लग रहा है तुम्हारे डरावने सपने तुम्हें सोने नहीं देते। पता नहीं क्यों, लेकिन अब मुझे अकेले नींद नहीं आती। ओह सच में? उसकी चिंता मत करो। और तुम भी तो साथ नहीं देती ना मेरा। साथ ना, इसीलिए तो आई हूँ। बता क्या था वो सपना? उस बारे में अब क्या बात करना है, डार्क था वो। ये जो सपने हैं ना, वो हमारी अंतरात्मा की लिखी हुई हमारी ही कुछ कहानियां होती हैं। अब डार्क सब्जेक्ट्स लिखने वाले एलेक्स को डार्क सपने ही आएंगे ना। पहले तुम मेरी किताब पढ़ो, फिर अपनी राय देना, ठीक है? कहाँ ना पढ़ लूंगी। तुम कब से कह रही हो पढ़ लूंगी। खैर छोड़ो, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था, मैंने सोचा कि मैं ये हेलो यस यस नहीं नो नो सर्स ऑन लीव पर मैं हूं ना, आई हैंडल इट। नो नो, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। नहीं नहीं, सवाल ही नहीं उठता एलेक्स। नहीं सर। हाँ हाँ, ओके 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 ओके, आई विल कॉल यू इफ देयर इज एनीथिंग। एलेक्स? हाँ। नाराज हो क्या? नहीं तो बोलो, क्या हुआ? पता है तुम नाराज हो, पर मैं क्या करूं एलेक्स, दिस इज माय जॉब। यू नो हाउ इट वर्क्स। देखा ना केस के वक्त मैं कितना बिजी रहती हूँ। कोई बात नहीं, टाइम हो तो कॉल कर लेना, नहीं करोगी तो भी चलेगा। एलेक्स एक महीना हो गया है मैंने ब्रेक नहीं लिया है, ये आने वाले हफ्ते से मैं फ्री हो जाऊंगी,
अब सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरा पूरा वक्त तुम्हारा होगा, यकीन करो। हाँ पक्का ना? पक्का। We'll go somewhere. हाँ हम कहीं दूर चलेंगे एलेक्स? सच कहूँ तो यही सोचकर मैंने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया था। सोचा इस आने वाले वीकेंड पर अर्चना के साथ कहीं घूमने जाऊंगा। I would love that. फोन इंटरनेट जहाँ ना चले वहाँ। फोन लेकर ही मत आना। स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। स्विच ऑफ करोगी तो ऑन कर लोगी, लेकिन लाओगे ही नहीं तो एक बार ट्राई तो करो। मैं भी फोन लेकर नहीं आऊंगा। ओके ओके फाइन। थैंक यू। अभी नाराज हो? थोड़ा सा। वैसे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज है? कैसा सरप्राइज? पता चल जाएगा। बाकी बात मैं बताता हूँ। ओके ओके गुड नाइट। गुड नाइट। ठीक है। बाय 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 बाय।
एलेक्स, एलेक्स, हम कहाँ जा रहे हैं? बता दूंगा तो सरप्राइज नहीं रहेगा ना? क्या ढूंढ रही हो? फोन है क्या? देख रही हूँ। लाई हो क्या? आइडिया काफी अच्छा है। अ वीकेंड गेट अवे, अ हॉलीडे मोड, नो वर्क, नो इंटरनेट, नो सेल फोन, नो सेल फोन, सिर्फ तुम और मैं। काम के चक्कर में फुल टाइम फोन पे रहती हूँ, इसलिए मैंने ये स्पेशल प्लान बनाया। बनाया नहीं, मनाया मुझे। तुम्हें मनाना आसान थोड़ी है। पता है पिछले कितने दिनों से ये प्लान बना रहा था। एलेक्स, यू मिस मी? बंद हो गई। जंगल, बारिश, बंद पड़ी कार, यही तुम्हारा सरप्राइज है? अब इसे तोड़ोगे क्या? ट्राई तो कर सकता हूँ। इसे तोड़ने की? छाता निकाल रहा हूँ। चेक करके आता हूँ। हाँ, थोड़ा सा। यही था तुम्हारा सरप्राइज। मुझसे तो ये ठीक नहीं होगी, किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। लेकिन फोन तो हमने लाया नहीं है। फोन तो है ही नहीं। वहां पर लाइट जल रही है, जरूर कोई होगा। हाँ, किसी का घर है। वहां जाके हेल्प मांगे? मांगे क्या? घर है तो उनके पास फोन तो होगा ना। अगर कोई नहीं हुआ तो? ये अपने आप स्टार्ट तो नहीं होगी। हाँ वो भी है। तो फिर चलो। चलो। अच्छा क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा पैर लगी तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ।
हेलो, कोई है? अरे मजाक कर रहा था, कुछ नहीं हुआ। डराओ मत एलेक्स। देखो बस करो, कोई है ही नहीं। मत करो। अरे पक्का अंदर कोई नहीं है। कोई कुत्ता उत्ता तो नहीं होगा? तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? चेक करके आता हूँ। यहीं रुकना, मैं आ रहा हूँ। दिया तुमने मुझे। चलो 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 वापस चलते हैं। एक मिनट रुको, ऐसे घरों में रहने वाले चाबी यहीं कहीं छुपाता, मैं देखता हूं। यहां तो नहीं, यहां भी नहीं। क्या कर रहे हो? अरे ढूंढ रहा हूं। चले कौन? सॉरी, ये सवाल तो मुझे करना चाहिए। दरवाजे के इस तरफ मैं हूँ, आप कौन? एक्चुअली कार ब्रेक डाउन हो गई थी, तो मोबाइल फोन यूज कर सकते हैं? लेकिन मेरे पास तो फोन नहीं है। लैंडलाइन भी चलेगा? ऐसे मौसम में सब बंद हो जाता है। अगर बुरा ना माने तो हम ट्राई करें? बुरा तो लग रहा है, लेकिन मना नहीं करूंगा। इस तरफ। हाँ? ओ। दरवाजा बंद कर दो। ठीक है। ये तो बंद है। बारिश रुकने तक हम यहाँ रुक सकते हैं? श्योर, क्यों नहीं। आपको कपड़े चाहिए? नो, इट्स ओके, आई विल मैनेज।
बदल लो, पूरी भीग गई हो। कहाँ जाना है? कमरा ऊपर की तरफ है, जाओ। ओके। Thanks for the clothes. Thank you. चल रहा है? नहीं, बारिश रुकेगी तब फिर से देखता हूँ। ये किसकी ड्रेस है? माँ की है। माँ कहाँ है? मर गई। आज के ज़माने में मोबाइल नहीं यूज़ करने वाले बहुत कम हैं। लगता है आप उनमें से एक हो। क्यों, गुनाह है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। It's just surprising. एक बार मैंने कोशिश की थी पर वो मुझे रास नहीं आया। इतने बड़े घर में आप अकेले रहते हैं? अच्छा घर है कितने? मेजबान होने के नाते सवाल पूछने का अधिकार सिर्फ मैं रखता हूं, और आप मेहमान हो तो उस नाते आपके जवाब सुनने में मुझे ज्यादा खुशी होगी। तो सवाल सिर्फ मैं ही करूंगा। क्या नाम है आपका? अर्चना। सिर्फ अर्चना? अर्चना पिल्ले। अर्चना, तुम दोनों शादीशुदा नहीं हो, है ना? आप कैसे कह सकते हैं? सिर्फ देखने से। इतना ही नहीं, तुम दोनों को मिलके ज्यादा समय नहीं हुआ है, लगभग 2 या 3 महीने। 3 महीने? आपको कैसे पता? ऑब्जर्वेशन। तुम दोनों के बीच की दूरी से मैं समझ गया। अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के अलावा और भी कुछ करती हो? करती हूँ, लॉयर हूँ हाई कोर्ट में। वकील हो? झूठ को सच में बदल कर जीती हो। आप वकीलों के विरोध में हो क्या? नहीं, वकीलों के नहीं हूं, झूठों के हूं। झूठ है या सच है वो वकील नहीं, कोर्ट तय करता है। पब्लिक को भी इसका अधिकार नहीं है। आपका सच किसी और के लिए झूठ हो सकता है,
मैं समझा नहीं। सी, सच और झूठ के बीच में जो कॉमन होता है वो है फैक्ट्स। ये फैक्ट्स ही हैं जिन्हें लॉयर्स सबके सामने लाते हैं। सच और झूठ में कोई फर्क नहीं है ये कहना चाहती हूँ? हाँ, कोई पूरा सच कहता है पर पूरा झूठ नहीं कहता। हर झूठ में कुछ सच छुपा होता है। आपको क्या लगता है मिस्टर एलेक्स? लगता है क्या? लगता है सच को छुपाने के लिए ही सब झूठ बोलते हैं, है ना? बात तो है। थैंक यू। आप भी वकील हो क्या? अरे नहीं, मैं वकील नहीं हूं, मैं तो राइटर हूं। अच्छा, राइटर हो? हाँ। आज तो घर में बड़े बड़े लोग आए हैं। एलेक्स पारेल, एलेक्स पारेल। हिंदी में लिखी है तो मैंने पढ़ी होगी। हिंदी में ही लिखी है पर शायद आपने पढ़ी नहीं होगी। एक ही किताब लिखी अभी तक और इसी साल पब्लिश हुई है। आपकी किताब का नाम क्या है? इरुल। इरुल, अंधेरा, अंधकार। तुमने यह किताब पढ़ने की हिम्मत की है क्या अर्चना? नहीं। कहूंगा तो यकीन नहीं होगा। मैंने हिम्मत की और ये मेरा सौभाग्य है। आपने पढ़ी है? पूरी पढ़ी है। कैसी लगी? आपकी क्या राय है? पूछो मत, दुखी हो जाओगे। अर्चना, वाइन के बारे में क्या राय है? वाइन अच्छी चीज है। यहाँ पर सेल्फ सर्विस चलती है। तुम क्या लेना चाहोगे? व्हिस्की। ऐसा क्यों कहा आपने? क्या? कि मैं दुखी हो जाऊंगा? तुम्हारे किताब का किरदार, वो सीरियल किलर? हाँ हाँ, वो जो बरसों पहले खून हुए थे, ये किताब उस पर आधारित है ना? हाँ है, और ये खबर सब जगह आग की तरह फैल भी गई थी। मैं आलोचना कर सकता हूँ अगर मुझे इजाजत हो तो। तुम्हारे हिसाब से उसने 6 खून किए थे। 6 नहीं 5 खून किए थे। 5 खून? और ऐसा करने का कारण? प्रतिशोध। किसके खिलाफ? स्त्रियों के खिलाफ। स्त्रियों के खिलाफ? कैसे कह सकते हो? क्योंकि वो 5 हत्या औरतों की ही थी। उसने उन्हें ब्रूटली टॉर्चर किया था। इसके अलावा उनके बाल भी, 5 औरतों के बाल शेव कर दिए थे उसने। इतना नीचे गिरना मतलब प्रतिशोध या गुस्सा ही हो सकता है ना? हो सकता है, लेकिन उसके प्रतिशोध का कारण तुम्हारी किताब में साफ नहीं लिखा है। और मुझे साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा दिलचस्पी है। थैंक यू। मेरी माँ है। इन विनो वेरिटास। ये सच बुलवाती है। मिस्टर एलेक्स, साइकोलॉजी ये कहती है आपके उपन्यास में कुछ कमियां हैं। हत्यारे की मंशा स्पष्ट नहीं है। सबसे पहली बात, ये एक क्राइम थ्रिलर है, कोई साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं है। और बात रही वजह की, तो वो प्रतिशोध है। बाकी सब रीडर्स को ये बात समझ में आ गई है। मिस्टर एलेक्स, आप जैसे नए लेखक के साथ बात करने का मौका मैं हमेशा चाहता था, लेकिन मेरे कुछ मत हैं। आपकी किताब में जो हत्यारा है वो हम में से कोई भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो हमें उसकी भी सुननी चाहिए। स्त्रियों के खिलाफ अगर उसका प्रतिशोध ही कारण है तो आप उसे स्पष्ट कीजिए। अपमान, स्त्रियों से हुआ अपमान।
हो सकता है प्रतिशोध के अलावा भी कई कारण हो सकते हैं। कैसा कारण? जिज्ञासा, कौतूहल, स्त्रियों के शरीर का, उनकी मानसिकता का। इन हत्याओं के बारे में मैंने पेपर में पढ़ा था और फिर तुम्हारी किताब में। मेरे हिसाब से हत्या करने का कारण प्रतिशोध नहीं है, कौतूहल है। कौतूहल की वजह से कोई इंसान किसी की जान तो नहीं ले सकता ना? सेक्सुअलिटी से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो तो? नहीं, किसी भी पीड़ित का बलात्कार नहीं हुआ था, ना ही किसी को सेक्सुअली अब्यूज किया गया। इस केस में ये कारण है ही नहीं। तो क्या कारण होगा? काफी छानबीन करने के बाद ही मैंने इस किताब को लिखा है, मेरा जजमेंट गलत नहीं हो सकता। किस तरह की छानबीन की थी तुमने? फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से कई दिनों तक उन औरतों का खून बहता रहा, और इसका मतलब उसे सिर्फ उन्हें मारना नहीं था बल्कि तड़पा कर मारना था। उनके शरीर पर सिर्फ ब्लेड और चाकू के ही नहीं बल्कि कई अलग अलग धारदार हथियार के निशान भी पाए गए हैं। उनकी बॉडी को रस्सी से बांधा गया था, जो साबित करता है कि उन्हें लटकाया गया था। उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा गया। जिज्ञासा, नहीं, ये तो पागलपन हुआ ना। मतलब हत्यारा अब पागल है? पूरा पागल है। 5 औरतों को मार के पुलिस के हाथ भी नहीं लगा, वो पागल हो सकता है क्या? होशियार पागल आदमी है। I think he's brilliant. मान लिया, अगर वो पकड़ा जाए तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? निर्भर करता है उसने किन परिस्थितियों में हत्या की है उस पर। हम तो बस उसकी मानसिकता की कल्पना ही कर सकते हैं। आई थिंक दिस पीपल हैव टू बी स्टडीड एंड उसके बाद ही उनकी ट्रीटमेंट की जानी चाहिए। मिस अर्चना, मैं आपको गलत समझ रहा था, लेकिन अब आपको और जानने की इच्छा रखता हूं। पहले जो कहा उसके लिए माफ कर दीजिए, लेकिन एलेक्स की किताब में अंत में हत्यारे की मौत हो जाती है। एक बात बताओ, कैंसर के रोगी को हमें मार देना चाहिए? कैंसर हुए पार्ट को काट कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग सोसाइटी में कैंसर से कम नहीं होते। वो कैसे करना चाहिए? उन्हें मार के। स्टॉप इट एलेक्स, ही इज जस्ट जोकिंग। राइटर है ना, इसकी कल्पना दूर तक जाती है। वही तो बात है, कल्पना। एलेक्स की किताब में मुझे यही बात अच्छी नहीं लगी। कल्पना के बिना कोई कैसे किताब लिखता है? अनुभव। ये पूरी की पूरी सृष्टि अनुभव से ही जन्मी है। आप ये कहना चाहते हो एलेक्स को हत्या के बारे में लिखने के लिए एलेक्स को खुद हत्या करनी होगी, है ना? बिल्कुल। कम से कम वो उस हत्यारे के मानसिक स्थिति के बारे में समझेगा। एक बात बताओ एलेक्स, क्या लिखना ही तुम्हारी रोजी रोटी है? नहीं, लिखना पैशन है। वैसे बिजनेस करता हूं। कैसा बिजनेस? हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म। फीसन ग्रुप कंपनीज के ओनर है। पार्टनर हूं। तो चलो तुमसे कुछ और पूछता हूं। तुम्हारा इतना अच्छा काम होने के बावजूद जिज्ञासा की वजह से मिस्टर एलेक्स आप राइटर बने। उसी तरह उस हत्यारे को भी तो कलाकार बनना था, आत्मा की संतुष्टि के लिए। जैसे एक शिल्पकार पत्थर से मूर्ति बनाता है, वैसे ही। इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, अब तक हमने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस नहीं किया। आपका नाम क्या है? Thank you.
एलेक्स? हाँ अर्चना। इतनी सारी मोमबत्तियां किस लिए? मुझे अंधेरे से डर लगता है। मेन स्विच कहां पर है? पता नहीं। सच में? घर में किचन कहां है वो भी पता नहीं। सब कुछ नौकर ही देखते हैं। टॉर्च है क्या? मेन स्विच ढूंढते हैं। नीचे बेसमेंट भी है। मैं वहां नहीं जाता। मेन स्विच वही हुआ तो जाकर देखें। हम अभी आते हैं।
एलेक्स, 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 इसे क्या हो गया एलेक्स? अर्चना दूर उठो, एलेक्स तुम क्या कर रहे हो? इसे जाने नहीं दूंगा। एलेक्स, इसने मारा, इसने नीचे एक औरत को मारा है। वो लटकी हुई है, नीचे लटकी हुई है, पूरे शरीर पर वार किया है। उसके सिर को भी इसने शेव किया है। एलेक्स, तुम कहना चाहते हो कि हाँ, यही वो हत्यारा है, इसी ने 5 खून किए हैं।
एलेक्स चलो यहाँ से निकलते। एलेक्स पुलिस को बुलाओ, चलो। अरे कहाँ से बुलाऊँ, फोन डेड है। एलेक्स कुछ तो कर रहा होगा। एलेक्स कहां जा रही हो अर्चना? तुम उसे ऐसा नहीं देख पाओगी। एलेक्स प्लीज जस्ट डू समथिंग। करे तो क्या करे, इस जंगल में क्या कर सकते हैं। मुझे मारना मत सर जी, मुझे जाने दो, जाने दो यहां से। यहाँ जो कुछ भी हुआ मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे खोल दो। तुम किसी को क्या नहीं बताओगे दीदी? उन पांच औरतों को इसने मारा है, यही खूनी है। तू मुंह में आएगा पकता जाएगा क्या? और कुछ बोला तो मुंह तोड़ दूंगा। एलेक्स हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। अरे लेकिन कैसे बुलाऊं, फोन नहीं चल रहा है ना। फोन चल रहा है दीदी, फोन चल रहा है। वायर निकाली गई थी। सर जी जाने दो ना सर, मुझे प्लीज जाने दो। को नहीं बुलाओगी तुम? एलेक्स तुमने फोन क्यों काटा? हम पुलिस को नहीं बुला सकते। मुझे बताओगे यहाँ चल क्या रहा है? पुलिस को बुलाया तो एलेक्स फंस जाएगा, ये एलेक्स को पता है। दीदी मुझे खोलो ना प्लीज, खोलो दीदी। मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूं तुम्हें। पुलिस को बुलाए तो मैं फंसूंगा। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो एलेक्स? ये मेरा घर है। ये घर? ये घर मेरा है अर्चना। Stop joking, Alex. It's not funny. यही मेरा सरप्राइज था तुम्हारे लिए अर्चना। मैंने सोचा यहां पहुंचकर बताऊंगा, सच कह रहा हूं। अगर ये तुम्हारा घर है तो ये कौन है? मैं चोर हूं दीदी, चोरी करने आया था, पर मुझे पता नहीं था कि ये इसी का घर है। मुझे खोल दो दीदी, मुझे जाने दो। वो कौन? जब तुमने इसे देखा तो कुछ कहा क्यों नहीं? हा? मेरे घर में एक अजनबी खड़ा था, मैं जानना चाहता था ये यहां पर क्यों आया है। मैं बेवकूफों की तरह बात कर रहा हूं पता है? मुझे लगा अगली नॉवल की ये प्रेरणा बनेगा। तुम्हें तो पूरी नॉवल मिल गई। अर्चना दीदी खोल दो ना, दीदी प्लीज खोल दो मुझे। खोलना मत दीदी, खोल दो ना। अर्चना
तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे थे? वो तुम्हारी बंदूक है? हाँ मेरी है। और बेसमेंट में वो लड़की? अरे मुझे क्या पता? We have to call the cops. हम उन्हें सब सच बताएंगे। अरे वो हमारी सुनेंगे क्या? ये मेरा घर है, मर्डर मेरे घर में हुआ है, उसे लगने वाली गोली मेरी बंदूक से चली है, अब मेरी बातों पर भरोसा कौन करेगा? सारे सबूत सामने रख रहा है और खुद को निर्दोष बोल रहा है, ये झूठा है दीदी। तू भी इसमें मत बोल। अर्चना मेरी बात मानो, अर्चना तुम जानती हो ना मुझे, मुझ पे भरोसा करती हो ना, इस झमेले से बाहर निकलने में मेरी मदद करोगी ना? कैसे? तुम देखती जाओ, मैं इससे सब कबूल करवाऊंगा, ये सब सच बताएगा। उठ, उठ। सब बोलेगा ये। दीदी, ये सारा इल्जाम मुझ पर डालने को देख रहा है, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तो बस चोरी करने आया था, मुझे तो खुद ही नहीं पता कि यहाँ चल क्या रहा है, ये झूठ बोलकर ही आपको यहाँ लेके आया है। बोल, जल्दी बोल। दीदी, इससे मिलकर आपको 3 ही महीने हुए हैं ना? सब कुछ कबूल करवाऊंगा इससे, अभी सब सच बकेगा ये। एलेक्स, तुम अपना फोन लेकर आए हो? कहा था फोन नहीं लेकर आना, इसलिए मैं लेकर नहीं आई। ये सब बातें बाद में करेंगे, प्लीज मुझे खोल दो ना। बताओ एलेक्स, बात करने के लिए बचा ही क्या है? और मुझे जाने दो। चल शुरू कर। खोल दो ना, प्लीज जाने दो मुझे। यहाँ पर क्यों आए? मैंने कुछ नहीं किया। मेरे घर में क्या कर रहे थे? तुम समझाओ ना इसे। मैंने कहा ना मैं चोरी करने आया था। वो लड़की कौन है? कौन सी लड़की? वो लड़की कौन है जिसकी हत्या तुमने की? मैं कसम से चोरी करने आया था। तो तुम इस घर में क्यों आए थे? मुझे नहीं पता। ये घर तुम्हारा है क्या? दीदी मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे जाने दो। कहीं नहीं जा रहे हो, सच बताओ कितने लोगों को मारा है? एलेक्स मुझे बताओ क्या चल रहा है। मैंने कहा ना मैं सिर्फ चोरी करने आया था, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। यहां से क्या चुराया तुमने? एलेक्स बोलो, बेसमेंट में लड़की कौन है? मुझे यहां क्यों लेकर आए हो? मैं कह रहा हूं ना मुझे नहीं पता वो कौन है। बकवास बंद कर। अरे मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, वादा करता हूं। ये झूठ बोल रहा है ना इनको, प्लीज। एलेक्स ये क्या बोल रहा है? इसका घर नहीं है। और अभी देखो क्या बोल रहा है कि इसका घर है, बोलना होगा। चोरी करने आया था, कौन है? चोरी करने आया था। You have a gun? पूरी इसने किया है। इसने मारा होगा। अर्चना तुम अपना मुंह बंद रखो। बताओ यहाँ क्या चल रहा है? मैं कह रहा हूँ पूरी इसने किया है। और ये कबूल भी करेगा। ये लगातार झूठ बोले जा रहा है, इसकी बात पर यकीन मत करो। एलेक्स वो बॉडी किसकी है? तुम आखिर मेरे घर में कर क्या रहे थे? झूठा लड़की कहाँ से आई? मेरे सवाल का जवाब मारा तुम्हें। भाग जाओ, तू इसको भी मार के मुझ पर इल्जाम डालेगा। सबसे पहले मैं तुझे मारूंगा, उसके बाद मैं इसे मारूंगा। सर गलती से मिस्टेक हो गई सर, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो ना सर, मैं किसी को भी नहीं छोड़ सकता, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा सर। सर अर्चना, अर्चना कहां गई? अर्चना सर, अर्चना अर्चना अर्चना,
मैं जो कह रहा हूँ समझती क्यों नहीं हो? फोन करने को मना किया ना, फिर भी मनमानी करती हो। जो तुम सोच रही हो वैसा नहीं है, जैसे मेरी नॉवेल में लिखा है वैसे ही उसने उसको मारा है, वो भी मेरे घर के अंदर, मुझे फंसाने के लिए। इतना भी नहीं समझती तुम? अगर मैं यहां पर नहीं आता ना तो सारा इल्जाम मुझ पर लगता। तुम एक लौती विटनेस हो, इतनी बात नहीं समझ में आती? अब चुप क्यों खड़ी हो? इस वजह से जो सही लगे करो, अब तुम खुद फैसला करो क्या करना है। क्या हुआ, कहीं भागे नहीं? मुझे जाने दो सर। मुझे खोल दो दीदी। आपको यहां रहना है तो रहो, लेकिन मुझे यहां से जाने दो। छोड़ो, थोड़ी दारू मिलेगी क्या? प्लीज पिला दो ना। थोड़ी सी और दे दो ना। मुझे पता नहीं इसने ऊपर आपको क्या क्या बताया, लेकिन आप यहां से भाग जाइए, इस पे भरोसा मत कीजिए। क्या कहा उसने? अलेक्स। दीदी दीदी क्या बोला? अलेक्स तुम जाओ, मैं इससे बात करती हूँ। यहां से जाओ अलेक्स। अब बताओ कौन हो तुम? मैं तो एक चोर हूँ दीदी। नाम क्या है तुम्हारा? मुन्ना। क्या कहा? मुन्ना। ओ। आईडी कार्ड बताओ तुम्हारा। इसके पास आईडी कार्ड होगा? चोर है ये। दीदी आप तो वकील हो ना, आप तो जानती हो कि हम सबूत पीछे थोड़ी छोड़ते हैं। सिर्फ चोरी करता है, हत्या भी तो करता है। अगर तुम चोर हो तो हमारे लिए दरवाजा क्यों खोला? हाँ तो मैं और क्या करता, मैं तो फंस गया था ना। तो तुम यहाँ कब से हो? दीदी आप सिर्फ मुझसे ही सवाल क्यों पूछ रही हो? सर को भी पूछो ना, सर को पूछो ना कि वो फोन यहाँ पर क्यों लाए हैं। अलार्म लगाने, सरप्राइज के लिए अलार्म लगाने। सरप्राइज अभी तक खत्म नहीं हुआ है क्या? नहीं हुआ है, सरप्राइज है ना। इसका फोन इधर है और तुम्हारा फोन तुम्हारे घर पे, सबको लगेगा कि तुम घर पर ही हो।
किसी को बताया है इसके साथ आई हो? ये है सरप्राइज, तुम्हें प्रपोज करने के लिए सोच रहा था। फोन होता तो क्या उंगली मोटी हो जाती? तू चोरी करने आया था ना, तो बता क्या चुराया तूने? कुछ तो चुराया होगा, बता क्या चुराया तूने? तूने ही बोला ना तू चोरी करने आया, तो बोलना क्या चुराया? पीछे हटो। नहीं कुछ तो चुराया होगा ना उसने? अरे बोलना। तुमने क्या चोरी किया? मैंने भी तो यही पूछा ना। एलेक्स तुमने ही कहा ना मैं फैसला लूं। Now give me a chance to do it. Let me handle it, Alex. तुम वहां जाकर बैठो। तुम यहां पर कब से हो? 2-3 घंटे हो गए। मतलब तुम्हारे पास पूरा घर छान मारने का टाइम था। नीचे भी गए होगे तुम। गया था पर अंदर नहीं गया। मुझे अंधेरे से डर लगता है। सारे सवाल का जवाब है तुम्हारे पास। तुम मुझे ये बताओगे तुमने चुराया क्या है? बताओ। चुराया है क्या? बताओ। वो नहीं बता सकता मैं। जब तक नहीं बताओगे मुझे तुम पर यकीन नहीं होगा। पुलिस को बुलाओ, उन्हीं को बताऊंगा कि मैंने क्या चुराया है। मतलब एलेक्स सच बोल रहा था, तुम झूठे हो। मुझे इसके जैसे तुमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने चुराया है और वो यही है। आने दो पुलिस को, मैं उन्हें ही बताऊंगा। तू क्या तेरा बाप भी बताएगा पुलिस को बुलाने वाले? अभी सब बुलवाता हूं तुझसे। वो गलत नहीं है। अगर तुमने कुछ किया नहीं है तो पुलिस को आने दो ना। देखो मैं दोबारा पुलिस को इस घर में नहीं आने दे सकता। दोबारा मतलब? माँ की मौत इसी घर में हुई थी। इससे पूछो वो मरी कैसे थी। मैं बताता हूं, इसकी माँ का खून हुआ था। हत्यारा कभी पकड़ा ही नहीं गया। तुम्हें कैसे पता? इसके खानदान की कहानी सबको पता है। और तुम मेरे बजाय उस चोर पर भरोसा कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कितनी बार समझाया तुझे? मैं बताता हूँ, चला कि असली सरप्राइज क्या था। क्या ये? कहां से मिलाई? मुझे यहीं से मिला। तब तुम्हारा ही होगा ना। बोल क्या चुराया तूने? दीदी, दीदी पता चला ना कि सरप्राइज क्या था। चुप कर। ये झूठ बोल रहा है दीदी। पुलिस को बुलाओ जल्दी। क्यों मारा तूने? पुलिस को बुलाओ। क्या चुराया तूने? सच बोल वरना छोड़ूंगा नहीं। दिलीप बोल, ये मुझे मार देगा। आप भाग जाओ यहाँ से। पुलिस को बुलाना मत भूलना। बोल तूने ऐसा क्यों किया? क्यों आया था यहाँ पर? मुझे जानना है आखिर नीचे क्या हुआ था।
मैं फिसल गया सर। बोल रहा है, इसने जो बोला वो सब झूठ है। Shut up! तुम कह रहे हो कि गोली दो बार चली, लेकिन मैंने बस एक ही बार सुनी। ऐसा कैसे हो सकता है, इसने दो बार गन चलाई। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। बेहोश होने से पहले तो यही हुआ था, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। वो लड़की जिंदा भी हो सकती है। दीदी इसको वहां अकेले मत जाने दो, वो उसको मार देगा। दीदी चलिए, दीदी चलिए। देखो ये कुछ देर पहले तक जिंदा थी, सच कह रहा हूं, लेकिन अब मर गई। इसी ने आपको यहां पर आने से रोका था ना अर्चना। सर 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 दीदी को नहीं, सर सर दीदी को छोड़ दो। अर्चना सर सर मुझे कुछ भी कर दो, दीदी को जाने दो प्लीज। सर 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 नहीं सर सर मुझे कुछ भी करो सर, दीदी को। अर्चना सर मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो अर्चना। सर 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 मेरी बात सुनो, दीदी को छोड़ दो प्लीज सर। दूर हटना, मेरी तरफ देखो सर। तुम्हें लगता है मेरी बात सुनो सर, दीदी को जाने दो सर। नहीं सर अर्चना, तुम्हें लगता है मैंने ये किया सर? दीदी को जाने दो सर। नहीं सर दूर हट तू। नहीं करोगे तो मार डालूंगा। बोलो बोलो तुमने उसे मारा, बोलो। Thank you.
मैंने ये किया होता तो बात करके वक्त बर्बाद करता क्या? बंदूक थी मेरे पास, तुम दोनों को मार देता ना। ये मुझे नहीं मारेगा दीदी, ये सिर्फ औरतों को मारता है। ऐसा लगता है तुझे आदमियों को नहीं मार सकता क्या? तुझे मार दूं मैं, हाँ? सारी गोली डाल दूं तुझमें? बोल, जैसे तूने उसको मारा वैसे तुझे मार दूं क्या, हाँ? बोल ना, बोल। एक बार मेरी बात सुनो। एलेक्स छोड़ो मुझे। तेरी बात तो सुनो। लीव मी एलेक्स। सब ठीक हो जाएगा। नो वे। तुम मुझे जानती हो ना? भरोसा करती हो ना? लीव मी। अ
अर्चना मेरी बात सुनो। एलेक्स ऐसा मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। अर्चना ने जो कहा वो सच था और अर्चना को जो जवाब चाहिए था वो मैं हूं। से एक है उस जगह के ऑनर एलेक्स पारेल। One of the female victim has been identified as अर्चना पिल्लै। दूसरी लाश वानी नाम की एक लड़की की है। सबूतों के आधार पर दोनों औरतों की हत्या एलेक्स पारेल ने नहीं की। प्रेस मीटिंग में पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि मौके वारदात पर कोई और भी मौजूद था। सभी को चौकन्ना रहने के लिए पुलिस ने निर्देश दिए हैं। ये काम केरला के किसी खूंखार खूनी का है, ऐसा पुलिस का कहना है। अभी तक पुलिस इस सीरियल किलर को पकड़ नहीं पाई है। पूरे राज्य में हत्यारे की तलाश अभी भी जारी है।